मैं बस अपने होटल की तरफ निकल ही रहा था तो मेरे को मिल गए आपका नाम उज्जवल घोष। और देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है मेरी सवारी, आप देख ही रहे हैं, और ये है इनकी सवारी, एक बार नज़र डालिए। कैलकाटा से भाई साहब साइकिल पे आए हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये मोटिवेशन कहाँ से है साइकिल वाली? मेरा बोर्ड में जो लिखा है वही मेरा मोटिवेशन है, यो सेव ट्री सेव लाइफ सेव वाटर सेव एनिमल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, इस हम लोगों की वजह से ये प्रॉब्लम चल रहा है। हम लोग इतना पेड़ पौधा कट रहे हैं और इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, और पानी का बर्बाद हम लोग कर रहे हैं। धरती का अंदर जो पानी है हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको को बर्बाद कर रहा हूँ, इसलिए कोई जगह पानी नहीं मिल रहा है। दो तीन साल पहले का बात है, चेन्नई में जो प्रॉब्लम हुआ था पीने का पानी नहीं था। हाँ, कुछ गांव में लोग पहले से जानकारी होना चाहिए, जो चेन्नई में हुआ वो तो पूरा हम लोग को सबको नज़र कर दिया, वहाँ पे इग्नोर कर दिया, इसलिए हम चाहते हैं अगले दिन ऐसे ना हो, इसलिए थोड़ा अवेयरनेस करने के लिए निकले हैं। कोई बोल रहे हैं भाई आपने कलकत्ता का पूरा बोझ उठा के लेके आए, ये जो मेरा लगेज है इसमें अभी मेरा जो लगेज है बोलूँ 45 से 50 केजी होगा शायद। जो गाटा लूप्स है उसमें बहुत दिक्कत हो रहे थे, इतना प्रॉब्लम हो रहे थे, लेकिन बहुत आसान से क्लियर कर लिए। लेकिन दर्चा से नहीं, सूरज घुसने के 2 किलोमीटर पहले से इतना बारिश में भी किया मैं, और भरतपुर आने उस टाइम तक मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ, मेरे को ठंडा लगा, मेरा जो पूरा मैं सेंसलेस होने वाला ही था। लेकिन भरतपुर में एक जयपुर का आदमी और पंजाब के एक पंजाबी लड़का मेरे को बहुत मदद किया है वहाँ पे, और उसको को मेरे अंतर से ग्रैंड सैल्यूट। वो लड़का नहीं रहेगा तो मेरा कुछ भी हो सकते है, ऐसे है मेरा जो गाटल उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से क्लियर किया। लेकिन सूरजताल के पहले से और भरतपुर में बहुत प्रॉब्लम हुए थे, अभी तक जर्नी इसके छोड़ के सब सही है, और अभी ये भाई के साथ भेंट हो गया। लेकिन रस्ते में एक चीज़ बोलूँगा, आपने बोला कि ये कलकत्ता का भार है, लेकिन कलकत्ता का नहीं पूरा देश का भार लेके चल रहे हो आप। जितने इश्यूज आपने बताए या जितने कंसर्न इश्यूज बताए, देश के इश्यूज है ये, सिर्फ कलकत्ता या चेन्नई का इशू नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड का। और आप कलकत्ता से इस पे आए हो, हाँ, उसके लिए मेरी तरफ से আমার বাড়ি হুগলির পুরসুড়া, তারকেশ্বর থেকে 12 কিলোমিটার ভিতরে। ও আচ্ছা, তারকেশ্বর তো মোটামুটি সবাই জানে, বাবার নাম নিয়েই সবাই জানে। আপনার ইউটিউব চ্যানেলের নাম কি? স্ট্রাগল উইথ উজ্জ্বল, STRUGGL, স্ট্রাগল WITH উইথ UJJWAL, উজ্জ্বল। মেরা লাইফ সে যে জুড়া হুয়া হ্যাঁ, মেরা মোটিভেশনাল যে জিসকে ज़रूरत है वो देखेंगे। अब लोग देखते हैं बोल रहे हैं आँख है चल नहीं सकते, लेकिन जिसका आँख नहीं है वो कैसे चलेगा। हम ऐसे खिलाड़ी को खिला सिखाता हूँ, ब्लाइंड लेडीज़ टीम, फुटबॉल टीम मेरे पास है, मेरा स्ट्रगल विथ उज्जवल उसमें डाला है, लेडीज़ और बॉयज़ का टीम में खिला है। जिसका ज़रूरत है फिर एक बार देख लीजिए, जिसका आँख नहीं हो कैसे खेल पाती है फुटबॉल, ये ज़रूर देखना है, फुटबॉल कैसे खेल पाती है स्ट्रगल विथ उज्जवल। हाँ, के बोलूँ तुम्हें की जिन्हें साइकिल नहीं है, चलो মানে কিরম রাইট প্রিপারেশন থাকে তোমার? 45 থেকে প্রায় পাশে 50 কিলো ওজন হবে, তার মধ্যে ফার্স্ট জিনিস আমার সাইকেলে টুলস আছে কিছু, ড্রাই ফুড আছে, স্টোভ আছে, পোর্টেবল স্টোভ, তার সাথে গ্যাস, শীতের সমস্ত জিনিস, একটা টেন্ট আছে, শোয়ার জায়গা আছে, আর জুতো এক্সট্রা এখনও ব্যাগের মধ্যে দুটো আছে, একটাকে যদিও নষ্ট করে দিয়েছে কুকুরে, পাঞ্জাবের একটি গুরুদ্বারায় ছিলাম, পা দিয়ে এত ঘাম হয়েছিল, ঘামের গন্ধে জুতোটা রেখেছিলাম, কুকুরে নষ্ট করে দিয়েছিল, আবার ঘুরিয়ে আবার এই জুতো নিয়েছি, এইভাবে চলছে। আর চার্জারের জন্য সোলার, আর এর সাথে সাথে আমাকে আসাম থেকে অনেক দাদা বলে একজন আছেন, বসুন্ধরা সংগঠনের, সেখান থেকে একটা সোলার, একটা পাওয়ার ব্যাঙ্ক পাঠিয়েছেন, এটা অভয়দা বলে একজন ইলেকট্রিকের, উনি গত বছর আসাম যাওয়ার আগে দিয়েছেন। সন্দীপন বলে একজন আছে, আমাকে আমার ইউটিউব লেখা স্ট্রাগল উইথ উজ্জ্বল সেই জার্সি আমাকে স্পন্সর করেছেন, আমার যেটা খুব ভালো লেগেছে যে NRC সাইকেল গ্রুপ থেকে আমাকে ওটা স্পন্সর করেছিল, সত্যি তারপর অনেকেই স্পন্সর করেছিল আমার চলার পথে। এটা শুধু ক্রাউড ফান্ডেড আছে কি এমনি
जे लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दिए था क्यों होता है जे क्राउड फंडेड नहीं क्यों ऑनलाइन पूछें क्यों कैश दिए चाहे अनेक भावे सपोर्ट करे चाहे सो अब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ क्या है बेसिकली इनके पास टेंट है कपड़े हैं जूते हैं स्लीपिंग बैग है कपड़े कितने सेट है तीन चार सेट है और सबसे बेस्ट चीज़ ये सोलर चार्जर हम लोग बाइक पे चार्जर लगाते हैं पावर बैंक यूज़ करते हैं ये सोलर चार्जर यूज़ करते हैं दैट इज़ लाइक अ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी एंड दैट इज़ वेरी गुड लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आउट ऑफ विलिंगनेस लोग इनको स्पॉन्सर भी करते हैं ऐसा नहीं है कि किसी को स्पॉन्सर के लिए बोलते हैं बट पीपल डू कम एंड दे गिव स्पॉन्सर टू देम तो हैट्स ऑफ अगेन तो केचड़ जो यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी